नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों के ऊपर बिजली गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और दोस्तों, ये घटना अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों ने बहुत कर ली है अपनी मनमानी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो हर एक बुरे काम किए हैं जो कि दोस्तों मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, जिस कारण से उनको अब उनके कर्म ही उसे बर्बाद करने वाले हैं। दोस्तों, अब आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों के साथ जो बड़ी और भयानक घटना घटने वाली है, दोस्तों उसे देखकर आप सभी का रोम रोम कांप उठेंगे। दोस्तों, आपने अपनी इस पूरी ज़िंदगी भर में कभी ऐसी बड़ी और भयानक घटना कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आपके दुश्मनों का रोने का दिन शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन ने आपको बहुत ही सताया है। उन्होंने आपको ज़िंदगी में बहुत ही परेशान किए हैं, उन्होंने आपको बहुत ही तंग किए हैं। और आप भगवान से दिन रात प्रार्थना करते थे और कहते थे कि हे भगवान, आखिर हमारे जीवन के दुश्मनों से आखिर हमें मुक्ति कब मिलेंगी, आखिर उनसे हमें छुटकारा कब मिलेंगी और हमारी ज़िंदगी में आखिर हमें खुशियां कब मिलेंगी। तो दोस्तों, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। दोस्तों, अब इन 3 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का इन 3 दिनों के भीतर मौत होकर रहेंगी, क्योंकि दोस्तों अब उनके पापों का और बुरे कर्म का एक एक फल उन्हें इसमें स्वयं माता रानी जी देने वाली हैं। जी दोस्तों, और आपके जीवन में अब वो खुशियां दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों, जिस खुशखबरी को देखने के लिए आपकी आंखें सालों से तरस गई थी, जिस खुशखबरी को पाने के लिए ना जाने आपने अपने ज़िंदगी में कितना ही दुख दर्द झेले हैं और कितना ही आपने अपनी ज़िंदगी में दुखों का सामना भी किए हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि अब आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत होने का समय आ चुका है और आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ लौटता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इन 3 दिनों के भीतर माता रानी की कृपा से आप लोगों को इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, जिस खुशखबरी को सुनकर आपका मन और दिल यासन काफ़ी गदगद भी हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में इन 3 दिनों के भीतर कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, ऐसे बदलाव आपके ज़िंदगी में होंगे कि दोस्तों जिस बदलाव से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी। जो दोस्तों, तो एक प्रकार से यूँ कहें तो अब आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जो दोस्तों, तो आइए दोस्तों के जान लेते हैं कि इन 3 दिनों के भीतर माता रानी की कृपा दृष्टि से आपके ज़िंदगी में क्या कुछ परिवर्तन होंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे। इन 3 दिनों के भीतर आप लोगों को क्या क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में या समय किन किन क्षेत्रों से आप लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, और या 3 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखने की आवश्यकताएं होंगी और कौन सी गलतियां करने से आप लोगों को यह 3 दिन तक बचकर रहने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों, हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरी सच और पूरी सटीक भविष्यवाणी करके। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो रहने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले माता रानी जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो कभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्रश्न जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से और सच्चे मन श्रद्धा भाव से जय माता रानी 3 बार जरूर लिखें। आपकी सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इस ज्ञान को आप या समझना ध्यान से जरूर ही सुनिएगा।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह बेकार है दोस्तों कि जैसे कुत्ते की पूंछ होती है जो कि ना उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंग से बचाती हैं। इसलिए इस जीवन में हर मनुष्य को हर व्यक्ति को अपने ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जीवन में कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी जरूर ही बिता सकते हो और आप जीवन में जरूर ही हमेशा खुश भी रह सकते हो। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने आप में कुछ ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और हर मनुष्य को इस जीवन में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है जी दोस्तों। तो इस ज्ञान को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। अगर भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्रेस लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाला यह 3 दिन का समय आखिर आप लोगों के लिए कैसा लेकर आ रहे हैं और इन 3 दिनों के संबंध में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आइए हम आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं विस्तार पूर्वक से, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों आने वाले यह 3 दिन का समय आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी शानदार दिन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इन 3 दिनों के समय अवधि में माता रानी आपकी कुंडली के अष्टम भाव से लेकर के दशम भाव में विराजमान हो चुके हैं, जिनकी कृपा से इन 3 दिनों के भीतर आपके सोचे हुए सारे काम पूरे आपकी आंखों के सामने होता हुआ दिखा देंगे, जिन्हें देखकर आपके बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आप जिस कार्य को करने के लिए सालों से प्रयास कर रहे थे और आपके जो कार्य अंत में जाकर बिगड़ जाते थे, आप इस परेशानी को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, तो आप लोगों को इन सारी परेशानियों से इन 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी और आपके सारे बिगड़े कार्य अधूरे कार्य अटके कार्य अनुकों सारे कार्य आपके अस में आपकी आंखों के सामने बनता हुआ दिखा देंगे, जिन्हें देखकर आपका मन और आपका दिल यस में काफ़ी गदगद और काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपकी जो भी ख्वाहिशें थी जो भी आपके सपने थे, अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई भी न्यू वाहन खरीदना चाहते थे या फिर आप किसी प्रकार की नए घर खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदना चाहते थे या वाहन किसी प्रकार का आपको भी चीज़ खरीदने का सालों से प्रयास कर रहे थे, आप इस चीज़ को खरीदने के लिए अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे संघर्ष भी झेले हैं, आपने बहुत सारे मेहनत भी किए हैं और आपको उस मेहनत का फल या उसमें स्वयं माता रानी देने वाली हैं और आपकी सारी ख्वाहिशें आपके सारे सपने यथ समय साकार और सच होता हुआ दिखाई देंगे जो दोस्तों और जिन्हें देख कर आपके तो बिल्कुल ही होश से उड़ जाएंगे। दोस्तों एक प्रकार से यूँ कहें तो आपके ज़िंदगी में असल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इन 3 दिनों के भीतर आपके ज़िंदगी में वो होने वाले हैं दोस्तों कि जिनके बारे में आप लोगों ने कभी भी शायद सपने में नहीं सोचा होगा और ना ही आपने कभी भी कल्पना किया होगा। और आपको बताना चाहूँगा कि यह समय आप लोगों को कार्य के क्षेत्र में वह कामयाबी मिलने वाली है, आप लोगों को यह समय कार्य के क्षेत्र में वो बड़ी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों जिन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास थे और काफ़ी लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, आपकी उस मेहनत का फल आप लोगों को यह समय स्वयं माता रानी जी देने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें दोस्तों अगर आप यह समय अगर कहीं पर भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रा संभल कर कार्य करने की आवश्यकताएं होंगी। दोस्तों या समय आप किसी इंसान की बातों में आकर को भी आप यश में गलत कार्य बिल्कुल भी ना कर बैठे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है और आपकी यही गलती आपके सब कुछ छीन भी ले सकती हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा रहना होगा यश में संभल कर। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोग अक्सर ही लोगों के ऊपर बहुत ही जल्दी आप यकीन और विश्वास कर लेते हैं, आपको लोग जो कहते हैं दोस्तों आप तुरंत ही उनकी बातें अपने मन में उतार लेते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों को अब रहना होगा सावधान, क्योंकि दोस्तों आप जिनके बातों पर चलते हैं, आपको लोग जो कहते हैं आप उनकी बातों पर तुरंत फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोगों को अब
रहना होगा सावधान, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप अक्सर जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वही लोग इसमें आप लोगों को धोखा देने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भले ही वो लोग आपके लिए एक दो बार अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो बार बार कभी नहीं आपके लिए अच्छा चाहेंगे। वो दोस्तों चाहेंगे कि आप जीवन बेहतर करें, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए आप लोगों को इसमें रहना होगा सावधान। या समय आप किसी भी इंसान के बातों पर आप लोगों को कोई भी कार्य करने की भूल या फिर गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आप जिसके ऊपर या समय विश्वास करके उस कार्य को करेंगे, उनके बातों को या समय अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़िंदगी भर रोते रहेंगे और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे अपने ही लोग हमसे धोखा करते हैं और हमें गड्ढे में गिराने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को इसमें रहना होगा थोड़ा संभल कर, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे और आप जीवन भर खुद को कोसते रहते और कहते हैं कि ये गलती अगर हम पहले नहीं करते तो हम अभी ज़िंदगी में खुश और हमारी ज़िंदगी भी खुशहाली तरह से रहती। इसलिए आप लोगों को समय रहते हो जाना है इन लोगों से सावधान, नहीं तो आपके साथ जो होगा आपने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दोस्तों कि बीते कुछ समय से चली आ रही चिंताओं से यह समय आप लोगों को मुक्ति मिल सकती हैं, जिनसे आप यह समय काफ़ी खुश भी दिखा दे सकते हैं। और यह समय आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन भी हासिल होंगी। और यह समय की शुरुआत में ही आपको व्यवसाय से जुड़े लोगों का खास लाभ भी प्राप्त हो सकता है और बाजार में आपका फंसा धन भी यह समय अचानक से निकल कर आ सकते हैं, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति में यह समय काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। और यह समय आपके बाजार में साख भी काफ़ी अच्छे बढ़ेंगी और यह समय आपकी आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि भी होंगी और नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और संचित धन में इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि भी होंगी और नौकरी पेशा लोगों के पद और जिम्मेदारियों में इसमें वृद्धि भी हो सकती है और कार्य क्षेत्र में इसमें आपको आपके कामकाज के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। और दोस्तों यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका पार्टी और समाज के भीतर विश्वास काफ़ी अच्छा पड़ेगा और यह समय भौतिक संसाधनों का सुख तथा परिजनों से सहयोग भी आप लोगों को मिलेंगे और यह समय आपको अपने कारोबार में अच्छी खासी प्रगति और लाभ भी प्राप्त होता दिखाई दे सकते हैं, जिनसे आप यह समय काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं।